नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 9, और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। उन सभी के लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप इसके पार्ट फर्स्ट को देखना चाहते हैं या क्वाड्रिलेटरल्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जो है NCERT ऑफिशियल, और उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पार्ट सेकंड पर हम बात करने के लिए हमारे विशेषज्ञ से आपका परिचय करवाना चाहेंगे। हमारी विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, आप हैं मिसेस बीना प्रकाश, यू आर सीनियर PGT मैथमेटिक्स फ्रॉम कैंपियन स्कूल भोपाल। वेरी वॉर्म वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू रेनू, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लर्नर्स। गुड आफ्टरनून मैम, एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन लेट मी शेयर सम सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, इन केस दे हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप ज़्यादा जानना चाहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में तो आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559। Either you can drop a mail as well. हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज के साथ हमारे इस लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बने। और बीना मैम, हम आपके पास आएंगे क्योंकि हमारा पार्ट सेकेंड है, तो हम पार्ट फर्स्ट के साथ बहुत ही ब्रीफ के साथ हम शुरू करना चाहेंगे मैम ये सेशन। श्योर 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 जी मैम। तो हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल, ये दैट्स द नेम ऑफ द चैप्टर, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल द वर्ड इज मेंट फॉर any four-sided closed polygon. एक polygon sides बना दिए, काफी सारे sides को join करके close कर दिया, तो उसको बोलते हैं polygon. और उसमें से अगर सिर्फ चार ही side रहता है तो उसको बोलते हैं quadrilateral. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ ABBCCD they are four sides. यहाँ भी देखिए आपको four sides दिख रहा है आपको. ये सारे four-sided figure है, तो ये सारे figures they are all known as quadrilaterals, ठीक है। अब आप इसमें अलग अलग देखेंगे तो आपको अलग अलग शेप्स दिख रहा है तो चार ही साइड पर कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है ये चारों ये सारे फिगर्स में। आपको पहला वाला फिगर आप देखेंगे तो पहला वाला फिगर तो ऐसा लग रहा है कि चारों साइड्स अलग अलग है, दिख रहा है ना। और दूसरे वाला फिगर को अगर देखेंगे तो ये एक एरो है, ये एरो का मीनिंग ये है कि दे आर पैरेलल, दैट मीन्स यहाँ एक साइड PQ जो है SR से पैरेलल है। ओके, तो एक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक साइड पैरेलल है, एटलीस्ट वन साइड पैरेलल, देन इट इज नोन एज अ ट्रेपेजॉइड। आप वही चीज अगर दूसरे फिगर में देखेंगे तो आपको ये ऑपोजिट पेयर्स, ये एक ऑपोजिट पेयर और ये एक दूसरा पेयर, दैट इज बोथ द ऑपोजिट साइड्स जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये अलग चीज है इससे। सो दिस इज अनदर फिगर, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, दैट इज व्हेन ऑल दैट इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दे आर नोन एज अ पैरेललोग्राम। अब वही चीज अगर इसमें देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट सेम जो चीज दिख रहा है आपको, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल दिख रहे हैं, बट उसके अलावा एक और चीज दिख रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन है मेजर ऑफ एंगल विच इज 90 डिग्री। तो आपको क्या लग रहा है, सारे वर्टाइजेस के एंगल्स 90 डिग्री, दैट मीन्स वही पैरेललोग्राम के अगर हर साइड एंगल्स 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको एक अलग नाम देते हैं, उसका नाम है रेक्टेंगल। अब वो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ एक और चीज नोटिस कर रहे हैं आप, है तो वही पैरेलल, दे आर पैरेलल, ये पैरेलल ऑपोजिट साइड्स पैरेलल दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज नोटिसेबल है, दैट इज आपको हर साइड इक्वल भी दिख रहा है, हर साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, और उसके अलावा ईच एंगल जो है, इंटीरियर एंगल जो है, उसका मेजर भी 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये एक स्पेशल रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल रह रहे, बट ईच साइड अगर इक्वल है तो वो हो जाएगा स्क्वायर, दैट्स नोन एज स्क्वायर, फाइन। एंड दिस फिगर, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, फाइन, और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ईच साइड इक्वल, चारों साइड्स इक्वल है, तो इसको बोलते हैं रोम्बस। तो ये चारों एक कैटेगरी में आता है, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अगर हमने एंगल एडजस्ट करके सारे एंगल्स को इक्वल कर दिया तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, और वो रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल कर दिया तो वो स्क्वायर बन जाएगा, और ये पैरेललोग्राम के हर साइड को इक्वल कर दिया तो उसको रोम्बस कहते हैं। तो वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट पैरेललोग्राम।
क्वाड्रिलैटरल में पैरेललोग्राम हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्या डिस्कस किया था कि ऑपोजिट साइड्स आर बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ द साइड्स आर बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो. सो ये प्रॉपर्टीज अगर आपको किसी क्वाड्रिलैटरल में दिखता है कि बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक पेयर इक्वल और पैरेलल है, तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं. तो ये पैरेललोग्राम के बारे में हमने लास्ट क्लास में किया था. दिस इज अ पैरेललोग्राम वेयर वी फाइंड दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल. ये रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू का है, ये रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू का, दैट इज दे आर इक्वल. तो इसके कुछ कुछ थ्योरम देखे थे और उसके अलावा कुछ और थ्योरम्स बच गए थे, वो आज हम करेंगे. लाइक ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी एक प्रॉपर्टी है. दैट इज अगर हमने ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ा, पी एंड एस को जोड़ के एक डायगोनल बनता है, क्यू एंड एस को जोड़ के दूसरा डायगोनल बनता है. तो अगर हमने दोनों डायगोनल्स, दैट्स नोन एज अ डायगोनल, ऑपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स का ना, एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं, पी एंड क्यू एक के बाद एक है, बट पी आर क्यू छोड़ के, एक वर्टेक्स छोड़ के अगर हमने ज्वाइन किया, उसको डायगनल ऑफ अ पॉलीगन बोलते हैं. तो हमारे पास दो डायगनल बनते हैं इस पैरेललोग्राम के, कोई भी क्वाड्रिलैटरल के दो डायगनल्स बनते हैं. तो ये अगर डायगनल पी आर जो है और क्यू एस दो अगर आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा तो भी वो एक पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है. तो आप कैसे प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव इट, ये थियोरम है, हमें प्रूव करना पड़ेगा. तो प्रूव क्या करना है आपको, पी ओ इज इक्वल टू ओ आर एंड क्यू एस इज इक्वल टू OS, ठीक है, QO is equal to OS. अब आप सोचिए बच्चों कैसे हमें प्रूव करना है इसका equality, ये हमने लास्ट चैप्टर में किया है. अगर हमको ये कनेक्शन दिख रहा है किसी ट्राइंगल से, आपको दिख रहा है एक ट्राइंगल से कनेक्टेड है, तो और ये जो PO OQ, PO OQ, POR OS, ये सब एक पार्ट है उस ट्राइंगल के, दो ट्राइंगल्स के. तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दो साइड्स जो है ट्राइंगल के वो इक्वल है. तो कब प्रूव होगा ये याद करके देखो बच्चों, व्हेन वी कैन प्रूव द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस. अगर हमने उन ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा. तो कौन सा ट्राइंगल मैंने लिया है, पी ओ एस एंड क्यू ओ आर, ये दो ट्राइंगल क्यू ओ आर. अब इन दो ट्राइंगल में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि दे आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट. अब सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम ने क्या कहा है, पैरेललोग्राम में है कि ऑपोजिट साइड्स जो है एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो लाइन है पी एस जो लाइन, पी आर जो लाइन बन रहा है, दिख रहा है आपको कर्सर से, पी आर जो लाइन दिख रहा है दैट इज अ डायगनल. अगर आप उसको धीरे ध्यान से देखेंगे तो यू हैव टू लाइन्स और उसमें एक ट्रांसवर्सल, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल. ये पी आर है ट्रांसवर्सल, और ये S है, ये पॉइंट Q है. तो हमने कहा PS और QR दोनों एक दूसरे से पैरेलल है. तो ये जो एक एंगल बन रहा है SPR, ये एक एंगल बन रहा है, और एक दूसरा एंगल दिख रहा है मुझे PRQ, ये दोनों एंगल दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. ये हमने क्लास दो तीन क्लासेस से किया है, ये दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. And we know that they be equal only when the lines are parallel. तो वही reason लिखा है मैंने. PS जो है QR से parallel है, इसलिए angle 1 and angle 4 देखिए, they form same situation है ना? ये 1 है, ये 4 है. तो 1 and 4 जो है pair of alternate angles है, और चूंकि PS QR से parallel है, they will be equal. Similarly, आप इधर भी देखिए, इधर से भी एक line बनता है अपना. देखिए एस क्यू को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स मिल रहा है, पी एस क्यू और एस क्यू आर. ठीक है, एस क्यू आर दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि पी एस और क्यू आर दोनों पैरेलल है. तो ये एक ही रीजन दोनों के कंडीशन के लिए है, इसलिए मैंने एक कॉमन लिखा, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज दिख रहा है, हमने ये जो ट्राइंगल है, हमारे पास ये जो ट्राइंगल था और ये जो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स में हम एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं इसको कॉन्ग्रुएंस बनाने के लिए, दैट इज कॉन्ग्रुएंट इक्वल ले आने के लिए. हमारे पास दो एंगल तो इक्वल हो गया, तो वी नो दैट वी हैव अ थ्योरम विच इज मेंट फॉर ए ए, दो एंगल एंड देन उसके बीच का एक साइड अगर हमारे पास इक्वल आ जाएगा
तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्गृएंट होंगे। तो हमें कौन सा साइड है वो पी एस एंड क्यू एस, ये दोनों साइड अगर हम लिख पाएंगे इक्वल तो हमारा ट्राइंगल कॉन्गृएंट हो जाएगा। हम लिख पाते हैं, क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि दे एक्चुअली फॉर्म द ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो वो भी इक्वल हो गया है। तो ये तीनों कंडीशन से वी गेट दैट पी ओ एस एंड आर ओ क्यू दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। फाइन, अब कॉन्ग्रुएंस से क्या रिलेशन मिलेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स, हमने सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स लिए हैं, बार बार रिपीट कर रहे बेटा, बच्चों याद रखना ये कॉन्ग्रुएंस के तीन एलिमेंट्स से हमने कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब हमारे पास तीन और एलिमेंट्स है, तीन और एलिमेंट्स मीन्स हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में रिलेशन, दे विल आल्सो बी इक्वल, और ऑपोजिट साइड, बाकी जो साइड्स है, साइड जो है इससे क्या है पीओ एंड आर ओ, पीओ एंड आर ओ दे विल आल्सो बी इक्वल, एंड ओ एस, ओ एस सेकेंड एंड थर्ड, ओ क्यू सेकेंड एंड थर्ड, ओ क्यू दे आर आल्सो इक्वल। तो अब आपके वापस रिजल्ट देखिए, पीओ इज इक्वल टू ओ आर, RQ is QS is equal to, so that means we have bisected, that they have bisected, so that means the diagonals of a parallelogram they bisect each other, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब ये theorem है एक दूसरा कि in any quadrilateral if diagonals bisect each other, अगर मान लो कोई quadrilateral है, ये quadrilateral लिखा है, बना है ये element O, this is a quadrilateral, इसमें क्या information दिया है? The diagonals are bisecting each other. LA and AN they are equal. MA and AO they are equal. दिया है। तो हमें क्या प्रूव करना है? LMN जो quadrilateral है हमारे पास, वो एक parallelogram है। इसको भी प्रूव करने के लिए आपको कैसे प्रूव करना है? Parallelogram मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो साइड है, ऑपोजिट साइड है, LO जो है MN के, दैट इज LO and MN they are parallel. अब ये रिजल्ट कैसे प्रूव होगा, ये एलम, दिस इज प्रूव ओनली व्हेन, दैट इज ये हमें यूज करना है, कैसे हमें लेकर आना पड़ेगा, अगर मैंने इसको एंगल वन नाम दिया है, इसको एंगल नंबर टू दिया है, अगर मेरे पास अगर वन एंड टू इक्वल हो जाएगा तो आई कैन राइट दिस रिजल्ट। तो वन एंड टू इक्वल आना है तो वो ट्राइंगल से आएगा, ट्राइंगल से आएगा मतलब मुझे वापस कॉन्ग्रुएंस ही ढूंढना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंस से कैसे ढूंढेंगे, अगेन मैंने वो ट्राइंगल यूज किया है एल ए ओ और एम ए एन। अब इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको पहले लिख तो ले, क्या पहला इन्फॉर्मेशन है कि एक साइड एल ए जो है ए एम की इक्वल है और दूसरा साइड एम ए इक्वल टू ए ओ, क्योंकि वो दिया है एम ए इक्वल टू ए ओ दिया है, ये दोनों साइड इक्वल दिया है, दिस इज इक्वल टू दिस। सो हमारे पास दो एलिमेंट्स मिल गए दोनों ट्राइंगल से, कौन कौन से, दो साइड्स। तो हम क्या ढूंढेंगे, एक और साइड, तो ये ट्राइंगल एल ए ओ का थर्ड साइड है एल ओ, एम ए ओ का थर्ड साइड है एम एन, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन है नहीं क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो है नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब हमें वो कंडीशन ड्रॉप करना पड़ेगा, हमें एक दूसरा कंडीशन ढूंढना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन विथ टू साइड है एक कंडीशन, वो है इसके बीच का अगर एंगल हम कहीं से भी प्रूव कर सकते इक्वल तो हमारा कॉन्ग्रेस आ जाएगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा एल ए ओ और एम ए एन दे बोथ फॉर्म अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दे आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो इससे हमारा काम हो गया, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग बाकी एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मुझे तो सारे एलिमेंट्स की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये ढूंढना था वन और ये टू जो है दैट इज एल, ये जो वर्टेक्स एल के बन से बन रहा है और एन से बनता हुआ जो एंगल है वो इक्वल आना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये एल और एन का पोजीशन सेम है ना, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एंगल वन एंड दिस रिप्रेजेंट्स एंगल थ्री, जैसा मैंने लिखा है, सो देयरफॉर देयर टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। और क्या हो सकता है, ये तो एक कंडीशन हो गया, उससे हमें ये मिल गया, also LO that is third side भी हमारा equal हो जाएगा because that is the corresponding parts of these two congruent triangles, equal हो गए। तो हमने क्या prove कर दिया है कि जो एक pair था, एक pair of वो quadrilateral का एक pair जो था वो आपस में एक दूसरे से parallel भी है, equal भी है। So whenever such quadrilateral come that is there, we find that such quadrilaterals are parallelograms. The pair of opposite sides, one pair of opposite sides are equal and parallel. They are parallelogram. So, एक summary बना देते हैं हम. Parallelogram कब हो सकता है? कौन-कौन से quadrilaterals
को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. पहला फर्स्ट इज व्हेन बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, दोनों पेयर्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. नेक्स्ट इज व्हेन बोथ द पेयर्स आर पैरेलल. नेक्स्ट थर्ड वन इज व्हेन बोथ द पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑपोजिट, एक दोनों पेयर ऑपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल. एंड देन फोर्थ इज एक पेयर इक्वल एंड ऑपोजिट तो डाय. एंड देन फिफ्थ इज व्हेन द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच. तो कभी भी कोई क्वाड्रिलैटरल में ये कभी भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, तो ये याद रखना बच्चों कि वो क्वाड्रिलैटरल ऑर्डिनरी क्वाड्रिलैटरल नहीं है, वो एक पैरेललोग्राम है. फाइन. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो सबसे पहला पैरेललोग्राम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक रेक्टेंगल के बारे में है. तो रेक्टेंगल क्या था? रेक्टेंगल हमने देखा था कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, तो उसको रेक्टेंगल. अब इस रेक्टेंगल का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके डायगोनल्स जो है ना AC एंड BD दे आर इक्वल. दैट इज अगेन, कभी भी आप कोई पैरेललोग्राम में अगर आपको उसके डायगोनल्स इक्वल मिलता है किसी भी रीजन से, आप कहीं से ढूंढ के निकाल सकते हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द डायगोनल्स आर इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम सिर्फ एक पैरेललोग्राम में वो एक रेक्टेंगल होता है. तो उसके बारे में कैसे दिखा है, देखो BAD मैंने ट्राइंगल लिया है, BAD एंड CAD मैंने दो ट्राइंगल लिए. इसमें BA एंड CD दे आर इक्वल. व्हाई आर दीस टू इक्वल? BA एंड CD व्हाई आर दे इक्वल? दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ, दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बच्चों, ये ऐसे आप लोग नहीं लिखना, ये हम टीचर्स की गलत गंदी आदत है, ये ऐसे आप लोग नहीं लिखना, ठीक है. ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दे हैव टू बी इक्वल. तो मैंने यूज किया. और AD देखिए, आप AD कॉमन दिख रहा है दोनों ट्राइंगल्स में, और एक मेजर इंफॉर्मेशन, दैट इज दो साइड्स हो गए. ये दो साइड्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दिस इज देयर, और इन दोनों साइड्स के बीच वाला ये मेजर है एंगल है BAD एंड CDA, दोनों का मेजर 90 डिग्री है. तो हो गया ना हमारा कंडीशन, देखिए दो साइड्स और उसके बीच का एक एंगल, दे आर कमिंग आउट टू बी इक्वल, वी आर गेटिंग इट इक्वल, हमें मिला है वो इक्वल. सो देयरफॉर द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS. सो सिंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसके बाकी एलिमेंट्स भी सेम होंगे. तो हमें तो बाकी एलिमेंट्स से मतलब भी, हमें सिर्फ डायगोनल्स चाहिए, तो इसलिए हमने सिर्फ थर्ड साइड जो BD एंड AC जो है डायगोनल्स बनाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, वो तो इक्वल होंगे. सो व्हाट वी फाइंड इज द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, तो कभी भी कोई भी क्वाड्रिलैटरल में अगर मान लो आपको मिलता है कि वो डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो वो पैरेललोग्राम होता है. और दूसरी बात, वो डायगोनल्स के मेजर्स भी इक्वल है, तो देन इट इज नोन एज अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये है रेक्टेंगल. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नोन एज रॉम्बस. रॉम्बस क्या है? रॉम्बस एक पैरेललोग्राम है जहां चारों साइड्स इक्वल है. ठीक है, तो इस रॉम्बस की क्या है खासियत वो भी देख लेते हैं कि कब रॉम्बस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. रॉम्बस का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है कि उसके डायगोनल्स जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब उसको प्रूव करने के लिए, डायगोनल्स ऑफ दे आर परपेंडिकुलर मींस ये एक डायगोनल P है, दिस इज ये एक डायगोनल है, दिस इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये मेजर हमें 90 आना चाहिए. इज इट 90? ये हमें चेक करना है ये 90 है कि नहीं. तो इसको 90 करने के लिए फिर से हम सोचते क्या करना है, क्या करें कि लेट अस ट्राई आउट विद प्रूविंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ दीस टू ट्राइंगल्स POQ और POS. ठीक है, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया POQ एंड POS. देखिए इसमें जो जो एलिमेंट्स हमें मिलता है वो लिखते जाइए. PQ, PS, they are equal. देखो PQ is equal to PS. क्यों है ये? क्योंकि ये rhombus है. Rhombus का क्या characteristics? इसके सारे sides equal है. तो PQ, PS, they are two sides, तो they'll be equal. और दूसरा QO is equal to OS. QO is equal to OS. ये दोनों क्यों equal है? क्योंकि it is a parallelogram. Rhombus पहले parallelogram है. पैरेललोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, तो QO OS से इक्वल हो गया. अब अपने पास देखिए दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास, आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो ट्रायंगल्स जो हम देख रहे हैं
कि जो ट्राइंगल्स है इसमें एंड इसमें दो एलिमेंट्स तो मिल गए हमारे पास, तो दो एलिमेंट्स मीन्स अगेन रिलेटेड टू साइड, दोनों साइड, क्या हम उसके बीच का एंगल को प्रूव कर सकते हैं क्या इक्वल? इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल मीन्स इट इज दिस एंगल, ये इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम इस एंगल को इक्वेट कर सकते हैं क्या? ये हमें तो मालूम ही नहीं है इसके बारे में, तो हम मैम इन्हें यहाँ पर यूज, मैं तो आपको बता हम इसको दूं। यूज नहीं करेंगे। जी तो आप मैम, ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट ये जो साइड है दिस इज अ साइड विच इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, बीना तो अब मैम, इसमें इक्वल होकर, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू मैम। लेट मी यस टेल यू यस दैट वी हैव 4 मोर मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन मैम। फाइन 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 फाइन, है ना? तो वी हैव द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, आगे अपना काम, दे आर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। नाउ अगेन टास्क इज नॉट ओवर, हमें प्रूव करना है कि इसका मेजर जो है 90 डिग्री है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम 90 डिग्री है? देखिए अब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि पी ओ क्यू एंगल एंड पी ओ एस, आप देखिए पी ओ क्यू पी ओ एस ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, दैट इज बिकॉज दे आर द करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे क्यू ओ एस दे आर लीनियर पेयर मीन्स दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ये दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनता है कि नहीं? तो देखो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल है और दोनों का एंगल का सम जो है 180 डिग्री है, तो देखो मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, और जैसे मेजर 90 डिग्री है इसका मतलब पी ओ क्यू एस से परपेंडिकुलर है, दैट इज पी ओ को एक्सटेंड कर दिया हमने पी आर, सो पी आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, सो हमें क्या मिला, बोथ द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक क्विक क्वेश्चन ले लेते हैं, पर यहाँ पे बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन ये है कि द ट्राइंग इट्स गिवन ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल एंड ए बी एंड ए सी आर इक्वल साइड्स, ठीक है, ए डी इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दिया हुआ है, तो आपको ये प्रूव करना है कि मेजर ऑफ एंगल दैट इज वन एंड दिस एंगल दे आर इक्वल, दैट इज दिस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, आपको ये प्रूव करना है, तो हाउ विल यू प्रूव इट? जरा ध्यान से देखो बच्चों, द एंगल टू एंड थ्री दे आर एंगल टू एंड थ्री अगर ध्यान से देखेंगे दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, और वही चीज अगर आपने इसको देखा दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी, ए का एक्सटीरियर बाहर का एंगल, तो वो जो एंगल है इज इंट इट ट्वाइस ऑफ एंगल वन, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर दिया तो इसको पूरे को मैं ट्वाइस ऑफ एंगल वन लिख सकती हूँ, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल वन, ट्वाइस ऑफ एंगल वन, देखिए रिजल्ट मिल गया क्या, देखो व्हाट डू वी गेट, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट ये प्रूव करना था कि ए बी सी डी इज अ पैरेलल होता है, अच्छा अब हमें दिया है सी डी इज पैरेलल, सी डी इज पैरेलल टू ए बी दिया हुआ है, अब ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू से हमें क्या मिल रहा है, व्हाट इज दैट रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट, दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स विच सेज दैट ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो अभी हमने हमको मिल गया ए डी पैरेलल टू बी सी, और यहाँ से हमारे पास दिया हुआ है कि सी डी पैरेलल इज ऑपोजिट साइड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इज इंट इट अ पैरेललोग्राम, सो देयरफॉर इट्स अ पैरेललोग्राम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने इतने अच्छे से ये पूरा चैप्टर हमारे सभी बच्चों तक पहुंचाया और जितनी भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ रहे उन सभी की जो समस्या है, जो अगर अटक गए हैं इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स में, उनको ज़रूर उनकी बातों का सोल्यूशन मिला होगा। थैंक यू सो वेरी मच मीना मैम फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी होली टू ऑल, हैप्पी होली, से आप हर रंग से अपना जीवन रंगने की कोशिश करना बच्चों, गलत रंग से नहीं रंगना, कितना पड़ जाए अपनी जी जिंदगी। जी तो मैम ये शुभकामनाएं हम आपको भी देते हैं और अपने सभी देखने वालों को देते हैं, अपने सभी देखने वालों से हम ये भी कहें कि यही समय है कि हम इस सत्र को यहीं पे समाप्त करें, लेकिन आप यूं ही हमारे साथ बने रहें और एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जो कि सोशल साइंस के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, टॉपिक रहेगा नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे देश में आप ज़रूर जानें। अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति, नमस्कार।